वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं भानु सुरमाली। सबसे पहला सुख निरोगी काया। जन्म पत्रिका में अष्टम भाव हम आयु का मानते हैं, उससे संबंधित क्या क्या देखना चाहिए, इस बारे में यह विशेष कार्यक्रम बनाया है। अष्टम भाव आयु भाव है। इस भाव को त्रिक भाव, फण पर बाधक भाव के नाम से जाना जाता है। आयु का निर्धारण करने के लिए इस भाव को विशेष महत्ता दी जाती है। इस भाव से जिन विषयों का विचार किया जाता है, उन विषयों में व्यक्ति को मिलने वाला अपमान, शोक, ऋण, मृत्यु, रोग इसके कारण है। इस भाव से व्यक्ति जीवन में आने वाली रुकावटें देखी जाती है। आयु भाव होने के कारण इस भाव से व्यक्ति के दीर्घायु या अल्प आयु का विचार किया जाता है और साधारणतः अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो अच्छा रहता है। यदि कोई भी ग्रह आठवें भाव में बैठ जाए, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, कुछ न कुछ बुरे परिणाम अवश्य देता है। ग्रह कैसे फल देगा, यह तो ग्रह के बल के आधार पर निर्धारण करना पड़ता है। इस अवस्था में अगर किसी ग्रह को आठवें भाव में बैठता है तो अपने शुभ स्वभाव को खो देता है। ऐसे में शनि का अपवाद रूप में आठवां भाव में शुभ माना जाता है। शनि यहाँ पर अच्छे परिणाम देता है अष्टम में बैठने से, क्योंकि वह आयु प्रदान करने में सहायक बनता है। अष्टमी आठवें भाव की रक्षा करता है। अष्टमी की मजबूती का निर्धारण उस पर पड़ने वाली दृष्टियों अथवा संबंधों के द्वारा होता है। अष्टमी अचानक आने वाले प्रभाव को भी दिखाता है। यह भाव जीवन में आने वाली रुकावटों से भी रूबरू कराता है। जहां जहां अष्टमेश का प्रभाव पड़ता है, वहां वहां अवरोध जीवन में दिखाई देता है। यह भाव गुप्त कमाई, गुप्त धन संपत्ति, विदेश यात्रा और रहस्य के बारे में जो दुर्घटनाएं, निराशा, हानि, रुकावटें, मानसिक चेता, मानसिक चिंता, गुप्त संबंध, रहस्य का भाव, मोक्ष ज्ञान इसी भाव से देखा जाता है। अष्टमेश नवमेश आपस में परिवर्तन का योग बना देते हैं, तो पिता द्वारा पैतृक संपत्ति मिलती है। अष्टमेश दशमेश परिवर्तन योग कार्यों में बाधा या धोखा मिलता है। अष्टमेश का अगर लग्न में बैठना आपको सभी के रहस्य गुप्त बातें जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। आपको दैनिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको अचानक धन लाभ, अकस्मात कहीं से लाभ, भूमि से आदि से लाभ हुआ हो तो आप जादू यह प्रकट करता है। आप जादू टोने टोटके, तंत्र मंत्र यंत्र यह जानने की आपकी इच्छा रहती है, उसमें अधिक रुचि लेते हैं, उसकी खोज में लगे रहते हैं। आप अपने मन की बात दूसरों को नहीं बताते। आपको बड़े संघर्ष के बाद भी गरीबी में जीवन जीना पड़ सकता है। आपको समस्याओं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या कोई रोग से पीड़ित हो सकते हैं। आप गुस्सा करके अपना स्वयं का नुकसान कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठा शनि आपको स्थायी संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति
दिलाने में भी कारगर रहता है। अष्टमेश का द्वितीय भाव या धन भाव में बैठना जीवन साथी के साथ शुरुआत में कुछ समय तक दिक्कतों या वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सही हो तो ससुराल से मनमुटाव बने। आंखों व दांतों की आपके समस्याओं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको धन की हानि हो वह वापस नहीं प्राप्त होती, लेकिन फिर भी धन लाभ भी संभव है। यहाँ पर आप ज्यादा भरोसा करना नुकसानदायक होता है। आप किसी को उधार न देवें। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट आदि से आपको अचानक लाभ हो सकता है। आपको कोई सरकारी काम भी मिल सकता है। बचपन में बोलने में कुछ अकलाहट सी होती है आपको। आपके पत्नी की वाणी कुछ कठोर या अव्यवहारिक हो सकती है कभी कभी। अब अष्टमेश का तृतीय भाव में बैठना 8 और 6 का संबंध भाई बहनों में सुख में कुछ कमी ला देता है। आपके पिता के जीवन में समस्याएं रह सकती है। आप सुनने की दिक्कत हो सकती है। आप मीडिया, लेखन, प्रिंटिंग में रुचि हो सकती है। सोशल मीडिया में आपकी रुचि हो सकती है, वहां से आप धन कमा सकते हैं। उससे संबंधित जॉब हो सकता है। आप कर्जदार हो सकते हैं। आपकी सोच विचार आपको दूसरों से अलग करते हैं। आपके सोच विचार दूसरों से कुछ हटकर होते हैं। आप कुछ शर्मीले होते हैं, लेकिन आपके पास कुछ पावर होता है। आप खुद को सकारात्मक रखते हैं। आप नकारात्मक लोगों और सोच से दूर रहते हैं। रहस्य, जादू, टोनों, टोटकों, तंत्र मंत्र यंत्र में आपकी रुचि होती है। अब अष्टमेश का चौथे भाव में होना माता के सुख में कमी या माता के स्वास्थ्य खराब रहना या उनसे मतभेद। आपको पिता की वसीयत मिलती है, प्रॉपर्टी उनकी प्राप्त होती है और आप रियल इस्टेट में काम कर सकते हैं। आप में दूर दृष्टि की अच्छी समझ होती है। आप कुछ दूर का देख करके कुछ कमाने की इच्छा रखते हैं और आप पूर्ण सफल हो जाते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप अपने दोस्तों से बातें गुप्त रखते हैं या उनके साथ शेयर नहीं करते। अब अष्टमेश का पंचम भाव में होना आप बुद्धि और ज्ञान से लाभ नहीं होता, लेकिन भाग्य से कमाते हैं या भाग्य से धन लाभ होता है आपको। आप शेयर मार्केट में पैसा बनाते हैं। आप मनोवैज्ञानिक ज्योतिषी हो सकते हैं या आप सामने वाले की मानसिकता भाप कर उसको समझाने में एक्सपर्ट होते हैं। आपको संतान के कारण कष्ट उठाना पड़ता है। संतान आपके कम होती है। आपको अपने जीवन में कई समस्याओं मानसिक आघात झेलने पड़ते हैं। आपको उदर रोग की संभावना रहती है। और अष्टमेश का छठे भाव में होना 11वें और 3रे का यानी लाभेश और पराक्रम का संबंध, लाभ और पराक्रम का संबंध नीच भंग राजयोग को दर्शाता है। उसके पीछे एक गणित का सिद्धांत कार्य करता है, माइनस माइनस प्लस, यानी बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। यह जन्म कुंडली में का बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अतः विजय श्री आपकी होती है, लेकिन इस योग के कारण आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और पराक्रम भाव
होने के कारण अष्टम का आप कोई रोग से पीड़ित रहते हैं, आपके जीवन में मुश्किलें आती है, लेकिन अंत में आपकी ही जीत निश्चय होती है। आप धनवान लक्ष्मीवान होते हैं, आप सभी सुखों का भोग करते हैं, आपको लॉटरी या पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ होता है, जादू सेना रिसर्च या जहर बेचकर अचानक लाभ कमाते हैं। मेरा जहर से अभिप्राय है, मेडिकल की दवाइयों से हो सकता है या शराब से हो सकता है। डॉक्टर वैद्य बनने का योग भी आप में होता है, आप वैद्य राज जी या डॉक्टर बन सकते हैं। अष्टमेश का सप्तम भाव में होना 2-12 का संबंध आपके पत्नी की वाणी कुछ कटु या फूड हो सकती है। आपका जीवन साथी कोई रोग हो सकता है, आप पर आपकी शारीरिक इच्छाएं अभी रहती है, गुप्त संबंधों में आप लिप्त रह सकते हैं। जीवन साथी से धन लाभ अवश्य होता है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं, आपके माता पिता को सट्टे में रुचि भी हो सकती है, विदेश यात्राएं के योग हैं एवं यात्रा में समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। अष्टमेश का अष्टम भाव में होना यानी कि सोगरी होना आपकी बुद्धि कौशल बढ़ जाता है, आप धार्मिक बनने लग जाते हैं, लोगों का भला करना, अपने परिवार में शुभ कल्याणकारी करने की सोचते हैं आप। द्वितीय पर पापी ग्रहों की दृष्टि होने पर, एक तो यहाँ अष्टम से द्वितीय भाव पर दृष्टि होगी और अष्टम में शुभ ग्रहों की दृष्टि या शनि की दृष्टि या शनि अष्टम में बैठे तो आपको दीर्घायु बनाता है। जीवन के शुरुआत में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बाद में आपको सफलताएं मिलती है। पिता को कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। अब अष्टमेश का भाग्य भवन में बैठे पिता से मतभेद कुछ हो सकते हैं, आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, अपने कार्यस्थल पर साथी लोग कार्य में अड़चन देते हैं, आप समृद्ध होते हैं, गुप्त धन या शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति अवश्य होती है। किसी दूसरे धर्म संस्कृति के व्यक्ति से गलत संबंध आपके हो सकते हैं, आप कोई बड़ी समस्याओं में उलझ सकते हैं। अब अष्टमेश का दशम भाव में होना कैरियर में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, व्यवसाय या नौकरी में अस्थिरता रहती है, मान सम्मान में कमी, आपकी माँ को कोई रोग या वैचारिक मतभेद माताजी से हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में बड़े आपका सहयोग करते हैं, बड़ा भाई वगैरह, आप कर्ज में से त्रस्त रहते हैं, आप मेहनत से सरकारी नौकरी मिल सकती है, आपको जीवन आनंदमय होता है। अब अष्टमेश का एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में अचानक बड़े लाभ हो सकते हैं, आपको बड़े भाई के जीवन में कुछ परेशानियां बनी रह सकती है, बड़ा भाई आपकी परेशानी का कारण भी बन सकता है, खुदाई जादू टोने या शोध का कार्य आदि से आप लाभ प्राप्त कर लेते हैं, गुप्त धन की भी प्राप्ति होने की संभावना रहती है, आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, आप रहस्यों की खोज में लगे रहते हैं, कभी कभी आप लॉटरी आदि से पैसा आपको मिल जाता है। अब अष्टमेश का 12वें भाव में बैठना विपरीत राजयोग बनाता है, नीच भंग राजयोग बनाता है, आप कोई लोन कर्ज से सफलताएं मिलती है, आप कर्ज के द्वारा उन्नति करते हैं,
आप बहुत धार्मिक होते हैं, आज जन्म स्थान से दूर आपको सफलताएं मिलती है, ग्रहों की प्रतिकूल दशा में आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, बेकार खर्च करने वाले आप होते हैं, इस कारण धन और पैसों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो आपके समस्या के कारण आप जुए सट्टे में कोशिश कर लेते हैं, या आपके यौन संबंध एक से अधिक हो सकते हैं, जीवन में अंत में आपको कुछ धार्मिक क्षेत्र मोक्ष की प्राप्ति के लिए विचार उत्पन्न हो जाते हैं, धर्म के क्षेत्र में विशेष जानकारियां हो जाती है, आप कुछ विशेष साधुवाद जो कि दिखावटीपन नहीं होता है, वास्तविकता में धर्म की रुचि बन जाती है आपकी, और आप पहुंचे हुए संत के समकक्ष पहुंच सकते हैं। मैं मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो अपने और अपनों को शेयर करिएगा खूब सारा दबा करके, लाइक सब्सक्राइब भी। आशीर्वाद, नमस्कार।